उत्सव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडलों को मनपा से अनुमति लेते समय विसर्जन स्थल की जानकारी देना अनिवार्य होगी। अगर किसी मंडल ने 4 फुट से अधिक ऊंची प्रतिमा स्थापित की तो उन्हें विसर्जन की व्यवस्था खुद के स्तर पर करनी होगी, मनपा उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। गत वर्ष के समान ही शहर के सभी तालाबों में विसर्जन पर रोक लगाई गई है। बुधवार को मनपा मुख्यालय में आयोजित बैठक में गणेश उत्सव की तैयारियों की समीक्षा की गई। महाराष्ट्र शासन ने गणेश उत्सव पर लगाए गए हर पाबंदी को खत्म कर दिया है। संबंधित निर्णय को नागपुर शहर में भी अमल में लाया गया है। फिर भी मनपा आयुक्त ने नागरिकों से अपील की है कि पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से घरों में 2 फुट से कम ऊंची प्रतिमा स्थापित करें। सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल भी ऊंची प्रतिमा न स्थापित करे। जो मंडल 4 फुट से कम ऊंची प्रतिमा स्थापित करेंगे उनकी प्रतिमा के विसर्जन की जिम्मेदारी मनपा विभाग की होगी। आयुक्त के अनुसार सभी तालाबों की बैरिकेटिंग की जाएगी ताकि उसमें कोई भी गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन न कर सके। कृत्रिम टैंक बनाकर प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। जोन के सहायक आयुक्तों को इस संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। हर जोन में गणेश उत्सव की अनुमति के लिए विशेष कक्ष शुरू किए जाएंगे। ऐसी जानकारी मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी द्वारा दी गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज, नागपुर।